क्या रावण आज भी जिंदा है? क्या श्रीलंका में रावण के मम्मी को खोज निकाला गया है? श्रीलंका में पुरातत्व विज्ञान की टीम ने रावण के कंकाल को खोजा है या जिंदा रावण ही खोज निकाला है? यदि खोज निकाला है तो इतने दिनों तक रावण सुरक्षित कैसे रहा? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वह शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह जिंदा हो जाएगा। एक खोज के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। यह ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावनास केव है। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है। रावण ने कुछ साल यहाँ बिताए थे। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ काफ़ी टूटी फूटी है। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, वह भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। श्रीलंका में रावना गोढ़ा नाम की जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं यह सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे से तो यही लगता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत है। लंका के लोग यह मानते हैं कि रावण एक दिन अपने मम्मी से जरूर जगेगा, इसलिए बहुत से पुरातन कबीले के लोग रावण की पूजा भी करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।